उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां तीन तीन एक्सप्रेसवे हैं, चौथा एक्सप्रेसवे भी करीब करीब तैयार है और पांचवें एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को ही फायदा नहीं होगा बल्कि इससे देश की सामरिक ताकत में भी इजाफा होगा। दरअसल इस हाईवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी तैयार होगी जिस पर आपात परिस्थितियों में वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंड कर सकेंगे। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप तैयार की जाएंगी। ये एयर स्ट्रिप चीन के खिलाफ रणनीतिक तौर पर काफी अहम साबित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हो गया है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने की दिशा में 18 दिसंबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। शिलापट का अनावरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार होगा तो उत्तर प्रदेश की नई लाइफलाइन होगा। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला ये एक्सप्रेसवे एक दो या चार नहीं बल्कि 12 जिलों से होकर गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से सिर्फ उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के विकास का रोड मैप ही तैयार नहीं होगा बल्कि देश के दुश्मनों के खिलाफ पराक्रम का पथ भी तैयार होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी तैयार की जाएगी। ये हवाई पट्टी शाहजहांपुर जिले में बनाई जाएगी। इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल वायुसेना आपात स्थिति में कर सकती है। जरूरत पड़ने पर एयर स्ट्रिप पर फाइटर जेट और वायुसेना के सुपर हरक्यूलिस विमानों की लैंडिंग की जा सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे पर भी इसी शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी और इस हवाई पट्टी के बनने से खास तौर पर भारत के जो रक्षा से जुड़े हुए तमाम चीजें हैं उनको मजबूती मिलेगी, वायुसेना को मजबूती मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में जहां हवाई पट्टी तैयार की जा रही है वहां से पाकिस्तान की हवाई दूरी करीब 1050 किलोमीटर है। इस तरह चीन की हवाई सीमा शाहजहांपुर से 2190 किलोमीटर है। दरअसल मौजूदा समय में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है चीन। चीन सीमा से सटे अपने इलाकों में तेजी से सैन्य तैयारियां मजबूत कर रहा है। भारत की उत्तरी सीमा से सटे इलाकों में चीन ने हवाई पट्टी से लेकर सैन्य अड्डे तक बना लिए हैं। चीन की इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अब एक्सप्रेसवे पर तेजी से एयर स्ट्रिप बनाने का काम चल रहा है। ये स्ट्रिप इमरजेंसी के हालात में वायुसेना के विमानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बटन दब गया। पिछले महीने 16 नवंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ से गाजीपुर तक बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर वायुसेना के सुखोई, मिराज और तेजस लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के जंबो विमान सुपर हरक्यूलिस C-130J से एक्सप्रेसवे पर उतरे थे और उसी एक्सप्रेसवे से उड़ान भी भरी थी। 24 अक्टूबर 2017 को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का सबसे बड़ा टचडाउन हुआ। तब यहां सुपर हरक्यूलिस समेत 17 फाइटर जेट प्लेन लाए गए थे। 21 नवंबर 2016 को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन के वक्त मिराज और सुखोई ने यहां टच डाउन किया था। 21 मई 2015 को यमुना एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। ये पहला मौका था जब सड़क पर इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट उतारा था। इसके अलावा भारत पाक सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर बाड़मेर जालौर बॉर्डर के अडगावा में बनी इमरजेंसी हाईवे स्ट्रिप पट्टी पर भी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंडिंग कर चुके हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर मौजूद ये हवाई पट्टी दुश्मनों के लिए बड़ा संदेश है।
वायुदल के इतिहास में एक नई रणनीति उभर के आई है, मतलब हाईवे को ही रनवे में ट्रांसफर करना। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी सोच है और इसके लिए देश में कहीं पर भी हम रनवे बना सकते हैं और इसलिए जो हमारे हवाई जहाज है कहीं से भी टेक ऑफ कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। भारत के सामने पाकिस्तान और चीन का दोहरा खतरा है। इसे देखते हुए कोशिश है कि भारत में जो भी नए एक्सप्रेसवे तैयार हो उन पर वायुसेना के लिए जरूरी हवाई पट्टियों का निर्माण हो। फिलहाल इस मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में अभी सबसे आगे है। विशाल पांडे, जी मीडिया, शाहजहांपुर। यहाँ पर आपको यह भी समझना होगा कि देश में करीब 20 हाईवेज को रनवे के तौर पर विकसित करने की मंजूरी मिल चुकी है। हम आपको ये बताते हैं कि 20 जगह जहां मंजूरी मिली है कहां कहां पर ये स्ट्रिप बन रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात पहले कर लेते हैं। बिजबहारा चिनार बाग हाईवे पर इसकी इजाजत मिल चुकी है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर आतंकवाद से प्रभावित रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर का वहां पर लगातार लोगों को सामना करना पड़ा है। दिल्ली में दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर भी एयर स्ट्रिप डेवलप की जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में रामपुर काठगोदाम हाईवे पर भी एयर स्ट्रिप के लिए काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर एयर स्ट्रिप का काम चल रहा है। बिहार में किशनगंज इस्लामपुर हाईवे पर काम चल रहा है। झारखंड का रुख करें तो जमशेदपुर बालासोर हाईवे पर इसे डेवलप किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर क्योंझर हाईवे पर काम चल रहा है। आसाम में मोहनबाड़ी तिनसुकिया हाईवे पर और ओडिशा में छतरपुर दीघा हाईवे पर, वहीं राजस्थान में फलौदी जैसलमेर हाईवे पर काम चल रहा है। तो गुजरात में द्वारका मालिया हाईवे पर, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा राजमुंद्री हाईवे पर और तमिलनाडु में चेन्नई पुदुचेरी हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे सामरिक ताकत को बढ़ाने के लिहाज से भी जोड़कर देखिए और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। और थोड़ी देर पहले हम जम्मू कश्मीर प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।